असंग दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद, मगर मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेके आया। पाकिस्तान के सबसे अच्छे फॉर्म में लगे हुए वो बॉलर जिन्होंने डेब्यू में सबको हैरान किया, मैं खुर्रम शहजाद की बात कर रहा हूँ, अब टेस्ट सीरीज में नजर नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से वो आउट हो चुके हैं और उनकी जगह पे कोई नया बॉलर आएगा या नहीं आएगा इसका फैसला बाद में होगा, क्योंकि अब दूसरा टेस्ट मैच सर पे है और फिर तीसरा आखिरी टेस्ट मैच होगा जो होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में जो स्क्वाड में ये दूसरी इंजरी है, बरार अहमद पहले ही इंजर्ड है, अगर उनकी जगह पे साजिद जो है वो टीम में पहुंच चुके हैं। मगर पाकिस्तान के पास पेस अटैक अभी है, वसीम जूनियर के ऑप्शन है, हमारे पास हसन अली के ऑप्शन है, उसके अलावा मीर हमजा की ऑप्शन है। मगर सर दर्द ये है पाकिस्तान के लिए कि फहीम अशरफ अच्छी निक के अंदर नहीं है, तो उनकी जगह पे भी कोई बॉलर लाया जाएगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान को दो फास्ट बॉलर चेंज करने हैं। और शाहीन की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने आज नेट सेशन में बॉलिंग नहीं की है, अगरचे मैंने उनकी फिटनेस के हवाले से पूछा तो उन्होंने बोला उनकी फिटनेस ठीक है, जस्ट उन्होंने रेस्ट किया है और उनकी इंजरी को कोई खतरा नहीं है, वो अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान के लिए अबरार के बाद खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर, जिन्होंने खासकर मोहम्मद हफीज जो टीम के हेड कोच हैं उन्हें बड़ा मुतासर किया था। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है कि खुर्रम शहजाद उस बॉलिंग अटैक से जो पहले ही थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा है वहां से वो हट गए हैं और अब वो खुर्रम शहजाद इस बकिया दो मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन है मीर हमजा की, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है हसन अली की, और साफ है कि फहीम अशरफ की जगह पर मीर हमजा आ सकते हैं और वसीम जूनियर के ऑप्शन भी है, तो हो सकता है कि वसीम जूनियर को भी ले आए। हसन अली भी नेट में काफी खूब उन्होंने पसीना बहाया, तो उनकी ऑप्शन भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। मगर अब पाकिस्तान को क्या करना है कि आज ट्रेनिंग सेशन हुआ पाकिस्तान का यहीं पे एमसीजी के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान ने दो रोजा प्रैक्टिस मैच खेलना है मेलबर्न के अंदर, स्टेडियम के अंदर नहीं, मेलबर्न के अंदर एक दूसरे स्टेडियम के अंदर ग्राउंड में खेलना है, और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने आराम करना है, फिर एक और प्रैक्टिस सेशन होगा और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरेगी। तो इस मैदान के अंदर ये मैच खेला जाएगा। अभी सऊद शकील से कुछ देर पहले मीडिया गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया कि अभी तो टॉप ग्रीन पिच नजर आ रही है, मगर अब चूंकि 4-5 रोज बाकी है, उसके बाद पिच के ऊपर ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि पिच बेसिकली है कैसी। तो एक और चेंज जिसके ऊपर सब लोग सोच रहे हैं कि वो क्या होगी या नहीं, बट मुझे लग रहा है शायद मुश्किल हो, वो चेंज ये है कि सरफराज अहमद खेलेंगे या मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद एक और चांस सरफराज अहमद को मिल जाए, क्योंकि आज खूब उन्होंने भी यहाँ पर ट्रेनिंग की है। मगर अब ये सब चीजें इफ एंड बट हैं, जो हतमी चेंज है वो दो फास्ट बॉलर की तो है कि पाकिस्तान को करनी पड़नी है, मगर बाकिया जो चेंज हैं उसके बारे में अभी 2-4 दिन बाकी हैं, पिच का बिहेवियर देखेंगे यहाँ पर और फाइनल शेप क्या बनेगी उसके बाद आकर फैसला होगा। अब पाकिस्तान टीम की अच्छी एक्टिविटी ये रही है कि टीम पाकिस्तान ने यहाँ पर वार्म अप सेशन किया, फिर नेट पे जाकर बॉलिंग बैटिंग ट्रेनिंग की, और उसके बाद यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 100-150 लोग यहाँ पर आए थे। फ्री जोन रखा गया था जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन रखा गया था पाकिस्तानी फैंस का, और क्रिकेटर्स में शाहीन शाफरीदी आए, बाबर आजम आए, रिजवान आए, हसन अली आए, साजिद आए, और उन्होंने फैंस के साथ तस्वीर बनाई और एक अच्छा एक एक्टिविटी यहां पर रखी गई थी फैंस के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए यहां पर। तो खूब आज का दिन रहा और मेलबर्न में आज टीम पाकिस्तान का पहला रोज था, और पहले रोज ही पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं आई है, जो मैंने आपको बताया कि खुर्रम शहजाद जो है वो टेस्ट सीरीज से आउट हो चुके हैं, और जाहिर लग रहा है कि शायद उनकी जगह पे नया फास्ट बॉलर को ना ही बुलाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास स्क्वाड के अंदर फास्ट बॉलर तो मौजूद हैं और फिर दो टेस्ट बाकी हैं, एक टेस्ट सर पे है, तो शायद जरूर दूसरा से ना पड़े, और सिडनी में शायद पाकिस्तान एक स्पिनर्स के साथ भी जाए, क्योंकि वहां पर स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच भी जो खेला था और जो जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सिडनी में ही जीता था 95 में। तो ये दोस्तों अब तक की अपडेट है, और कल पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेलना और इस टेस्ट मैच के हवाले से जुड़ी कोई भी खबर आई हम आपको बताते रहेंगे। मित्रों से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।